Hey there, you're listening to the Quint. आजम खान की विधायकी गई, पीएम मोदी का सुझाव, देश भर में एक जैसा हो पुलिस यूनिफॉर्म और दिल्ली में छठ घाट क्यों बने सियासी मंच। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं क्विंट का टुडे पॉडकास्ट। तो शुरू करते हैं आजम खान से। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया था, साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। दरअसल जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक अगर किसी विधायक को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है। इसी के आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है। दूसरी खबर छठ पूजा से जुड़ी। उत्तर भारत का खास त्यौहार छठ पूजा आज से शुरू हो गया है। नहाए खाए से त्यौहार की शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक ये पूजा चलेगी। यूपी, बिहार और दिल्ली NCR में छठ पूजा के लिए खास तैयारी की गई है। नहाए खाए से शुरू होने वाला ये त्यौहार 31 अक्टूबर को सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर खत्म होगा। तीसरी खबर दिल्ली से जुड़ी। छठ पूजा आने के साथ ही यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। छठ पूजा में सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर आप सरकार बीजेपी नेताओं और उपराज्यपाल के निशाने पर है। आप सरकार यमुना की सफाई के लिए केमिकल छिड़काव करवा रही है, जिसको बीजेपी जहरीली बता रही है। यमुना में केमिकल छिड़काव को लेकर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इसका वीडियो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर शेयर किया है। चौथी खबर भी राजधानी दिल्ली से जुड़ी। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के दिन ड्राई डे रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 30 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया है, यानी रविवार को दिल्ली में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। पांचवी खबर पीएम मोदी से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी का सुझाव दिया है। पीएम मोदी हरियाणा के सूरजकुंड में गुरुवार से चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है, मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस इस पर विचार करें। हो सकता है इसमें 5 साल या 50-100 साल लगेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। छठी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 5 नवंबर को होगी। बता दें, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह 12 जून से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सातवीं खबर पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान की अगुवाई में हकीकी आज़ादी मार्च शुक्रवार को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की तारीफ की और कहा कि वह हमारी तरह अपने फैसलों में बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप नहीं करने देता। इमरान ने कहा कि भारत अपनी इच्छा से रूस से तेल खरीदता है, हालांकि पाकिस्तानी गुलाम हैं जो अपने देश के लोगों की भलाई के फैसले नहीं ले पाते। आठवीं खबर ट्विटर से जुड़ी। ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है और इसके साथ ही CEO पराग अग्रवाल की छुट्टी भी हो गई है। पराग ने नवंबर 2021 में ट्विटर के CEO की कुर्सी संभाली थी। जैक डॉर्सी ने भरोसा जताते हुए पराग को ट्विटर की कमान सौंपी थी, लेकिन एलन मस्क को पराग में भरोसा नजर नहीं आया, जिसका नतीजा रहा कि मस्क ने ट्विटर की डील पूरी करते ही पराग की छुट्टी कर दी। मस्क ने 14 अप्रैल को एक सिक्योरिटीज फाइलिंग में कहा था कि उन्हें ट्विटर के मैनेजमेंट पर कोई भरोसा नहीं है। नवीं खबर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे CAPF, SSF, असम राइफल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार SSC भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत SSC ने कुल 24,369 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दसवीं खबर शेयर बाजार से जुड़ी। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भी हरा निशान पर बंद हुआ।
बीसी का सेंसेक्स 203 अंक चढ़कर 59,959 पर बंद हुआ। एनएससी का निफ्टी 17,786 पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 82.48 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विंट के साथ। नमस्कार।